मरीना में अगर आप सभी ने केवाईसी कंप्लीट कर लिया है तो हम आप सभी के लिए कुछ और अपडेट्स लेकर के आए हैं। ये अपडेट्स आप सभी के लिए लिस्टिंग के रिगार्डिंग में प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जिन लोगों का केवाईसी नहीं हुआ है उनका किस तरीके से यहाँ पे होगा और कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशंस क्या हैं, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। अगर आप मरीना में माइनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो ज़रूरी है। चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप सभी को न्यू और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। इस समय की अगर बात करें मरीना की तो आप सभी को याद रखना है, जो भी आप यहाँ पे केवाईसी कर रहे हैं, केवाईसी होने के बाद में अगर आपका ये टिक आ जाता है तो आपकी केवाईसी वेरीफाई है। अगर ये टिक नहीं आता है तो आपका यहाँ पे केवाईसी नहीं हुआ है। तो ये टिक का आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी बात, कितने समय तक केवाईसी चलेगी? तो अभी काफ़ी समय तक यहाँ पे केवाईसी चलेगी। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट्स नहीं बनाए थे यहाँ पे ट्विटर के, मैंने आपको बताया भी था कि ट्विटर का अकाउंट बना लीजिए, ट्विटर का अकाउंट बना लीजिए, टेलीग्राम का अकाउंट बना लीजिए। लगभग यहाँ पे जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं केवाईसी की, कम से कम 2 महीने से इसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है कि केवाईसी के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक टेलीग्राम, दूसरा ट्विटर। अब जब यहाँ पे फाइनल केवाईसी कराया जाएगा तब आप देखेंगे आपको यहाँ पे रीपोस्ट वगैरह करने होंगे और इनके अकाउंट्स यहाँ पे फॉलो करने होंगे, तभी जा करके ये केवाईसी आपका यहाँ पे कम्प्लीट होगा। केवाईसी के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, इनको समझ लीजिए। जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए केवाईसी टिप्स, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए, मरीना प्रोटोकॉल निकनेम डज नॉट नीड टू बी सेम एज योर ट्विटर एंड टेलीग्राम। आपका जो मरीना में नेम है वो आपका ट्विटर में, टेलीग्राम में अगर सेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ट्विटर अकाउंट कैन ओनली बी लिंक अकाउंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड मोर देन 90 डेज एगो, दिस इज सिविल डिटेक्शन। कहा गया है कि आपका अगर 90 दिन से ज़्यादा का ट्विटर अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर 90 दिन के बाद में आपका बना है तो आपका यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि 90 दिन, अब 90 दिन की अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अकाउंट्स नहीं बनाए थे, जबकि बार बार मैंने कहा था कि आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए ट्विटर का, तो ये आप सभी के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के पास आपके फ्रेंड सर्कल में 3 से 4 अकाउंट होंगे, एक एक लोगों के पास होते हैं, तो आप उनसे अकाउंट ले लीजिए, ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वो आप देखिए, कहा गया है टेलीग्राम यूजर नेम मस्ट बी सेट बिफोर कनेक्टिंग। याद रखना है, जब भी आप कनेक्ट करने जाएंगे, कनेक्ट करने से पहले आपको टेलीग्राम का यूजर नेम बनाना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूं इसका। अगर आपकी इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है मरीना में, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम का आपको यूजर नेम सेट करना है। टेलीग्राम का यूजर नेम कैसे सेट करना है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, ये इनको प्रॉब्लम्स थी, कहा गया प्लीज एड योर टेलीग्राम यूजर नेम। सेट करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है टेलीग्राम आपका, और आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपका यूजर नेम यहाँ पे सेट होगा। अगर नहीं सेट है तो आपको क्या करना है, यहीं पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए t.me/ के बाद में आपको एक नेम लिखना है जो आपका सही सा हो। यहाँ पे अगर रेड आ रहा है तो आप चेंज कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए, कुछ और जोड़ दीजिए, इस तरीके से आप यहाँ पे नेम बना लीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है हो जाए। ये देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनके यहाँ पे सॉल्यूशंस बताए गए हैं। अगर आपका 429 एरर आ रहा है किसमें, मरीना में, तो आप 24 घंटे बाद ट्राई कीजिए। अगर आपका यहाँ पे 25 ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आ रहा है तो भी आप 25 यानी 24 घंटे बाद ट्राई कीजिए। और आप सभी को याद रखना है, जो आपका ट्विटर है वो आपका कब का होना चाहिए, 90 दिन पहले का होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं लिस्टिंग की तरफ और कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये अपडेट्स काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्लॉकचेन फॉर गुड, तो इनके द्वारा जो ये इमेज यहाँ पे शेयर की गई है, वी आर एक्साइटेड टू ज्वाइन फॉर ब्लॉकचेन गुड अलायंस। अब यहाँ पे अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसको चेक करने के बाद ये देखिए इमेज, मैं आपको थोड़ा सा जूम करूंगा, इसमें कुछ प्रोजेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए, आप बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके साथ अलायंस कर चुके हैं, बाइबिट वेब 3, OKX वेब 3। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसी में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मरीना। ये देखिए आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा ये मरीना, तो इनके साथ इनका कोलेबोरेशन हुआ है और इनके साथ ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे सोलाना फाउंडेशन, OKX भी है जो वेब 3 वॉलेट है, यहाँ पे देखिए टोकन भी है, एनिमो का ब्रांड भी है, तो बहुत सारे इनके साथ हैं, ये भी अब इनके साथ आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे गुड न्यूज़ है। दूसरी गुड न्यूज़ क्या है वो देखिए,
सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे फॉलोइंग पे क्लिक करना है। फॉलोइंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिनको इन्होंने फॉलो करना यहाँ पे शुरू कर दिया है, जिसमें आप पहला एक्सचेंज यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको get.io देखने को मिलेगा, ये वाला। दूसरा जो एक्सचेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो वाइबेट ऑफिशियली यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी जो वाइबेट ऑफिशियल है वो आपको वेब थ्री वगैरह यहाँ पे ये सारे एक्सचेंजेस जो हैं इन्होंने यहाँ पे फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। हाँ, अगर बात करते हैं क्या एक्सचेंज के साथ अभी पार्टनरशिप कोलेबोरेशन हुआ है, तो अभी ये देखने को नहीं मिला है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके साथ कोलेबोरेशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बारे में जो भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दी हैं। केवाईसी के साथ साथ अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ये कन्वर्जन रेट क्या होगा, तो कन्वर्जन रेट के बारे में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें बताया था कि जो क्विज वाला है वो हो सकता है कि आपको 1x1 में दिया जाए, और जो पॉइंट आप पर डे माइनिंग से अर्न करते हैं वो हो सकता है कि आपका यहाँ पे हो सकता है 100 के बराबर 1 दिया जाए, या हो सकता है कि आपको 1000 बराबर 1 दिया जाए। मेरे हिसाब से जो ज़्यादातर यहाँ पे चांसेस होंगे वो 100 बराबर 1 के रहेंगे कन्वर्जन के, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों के पास पॉइंट है वो काफ़ी कम है, और उस हिसाब से अगर यहाँ पे 1000 बराबर 1 करते हैं तो कुछ भी लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम कॉइन मिलेगा। फिर हम लोगों को ये भी देखना है कि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है, 1 बिलियन सप्लाई रखी गई है, लेकिन 2 प्रोजेक्ट यानी 2 कॉइन इनकी तरफ से बताए गए हैं, उनका भी यहाँ पे अपना अपना सिनेरियो होगा। अब उनका देखना ये होगा कि मार्केट में किस तरीके से कॉइन्स लाए जाते हैं और हम लोगों को कौन सा कॉइन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एक्सचेंज के साथ में अभी कोलेबोरेशन हुआ नहीं है, बस फॉलो करना शुरू किया है। एक्सचेंज के साथ में जैसे ही कोलेबोरेशन होता है तो वहाँ पर अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक्सचेंज के साथ कोलेबोरेशन होगा वो आपको यहाँ पर लगभग अगस्त के समथिंग देखने को मिलेगा, यानी जो इसकी लिस्टिंग है वो अगस्त में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी इनकी चलनी है कि भाई मार्केट सुधरने का भी यहाँ पे वेट किया जाएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे सुधरता है उसके बाद ये अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे कि लिस्टिंग वगैरह का क्या अपडेट है। तो फिलहाल वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। टेलीग्राम मस्ट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।